हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज लॉकडाउन का आठवां दिन है और रोज टाइम टेबल के हिसाब से हम लोग ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड करके कॉलेज के यूट्यूब में डाल रहे हैं। तो आज इस समय जो बीए फाइनल ईयर जो सेमेस्टर सिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनका जो इन्वायरमेंटल पेपर है उसके लिए एक टॉपिक को हम डील करेंगे और वो है फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व। ये यूनिट फोर्थ का पूरा एक टॉपिक है और एक क्वेश्चन के रूप में फॉर्म होगा। तो फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व जो है हम तुमको बता रहे हैं और कहीं ना कहीं से तुमको ये समझना होगा कि जैसे कुज़नेट्स ने जो बातें डेवलपमेंट के संदर्भ में कहा था वो इन्वायरमेंट के संदर्भ में कैसे फिट होगा। तो ये एक फुल टॉपिक के रूप में तुम्हारे सामने है। तो इंट्रोड्यूस विद यू कैन सी दैट कुज़नेट्स कर्व ग्राफ्स जो होते हैं, जो जनरल ग्राफ्स हैं, जो कुज़नेट्स ने डेवलपमेंट के संदर्भ में बोला था वो क्या बोलता है। दैट ग्राफ्स द हाइपोथेसिस दैट एज एन इकोनॉमी डेवलप्स एंड देन डिक्रीजेस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी इकोनॉमिक्स के विकास के साथ साथ मार्केट फोर्सेस पहले इंक्रीज होता है और उसके साथ साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है डिक्रीज होता है। द हाइपोथेसिस वॉज फर्स्ट एडवांस बाई इकोनॉमिस्ट साइमन कुज़नेट्स इन 1950s एंड 1960s, यानी 50 और 60 के दशक में ही साइमन कुज़नेट्स ने इस हाइपोथेसिस को इकोनॉमिस्ट के फैकल्टी के सामने दिया था और उन्होंने ये बताया था कि विकास या डेवलपमेंट ही एकमात्र रास्ता है इनइक्वालिटी को कम करने का। तो उन्होंने यही ग्राफ बनाया था कि जैसे 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 आपका ये इनकम बढ़ता जाएगा, विकास होता जाएगा, वैसे वैसे आपका इनइक्वालिटी जो है पहले बढ़ेगी, एक पॉइंट पर आके सेचुरेट होगा, फिर धीरे धीरे उसी विकास के साथ इनइक्वालिटी कम होगा, यानी रिवर्स यू शेप के रूप में कुज़नेट्स कर्व का परिकल्पना किया गया था। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? ए नेशन अंडरगोज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्पेशली द मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, द सेंटर ऑफ द नेशन्स इकोनॉमी विल शिफ्ट टू द सिटीज। ये नेचुरल चीज है कि विकास के साथ साथ औद्योगिकरण के साथ साथ और एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ मैकेनाइजेशन के साथ साथ जो नेशन्स की इकोनॉमी होती है या किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था होती है वो सिटीज की ओर ट्रांसफर होती है। एज इंटरनल माइग्रेशन बाय फार्मर्स लुकिंग फॉर बेटर पेइंग जॉब्स इन अर्बन हब्स कॉजेज ए सिग्निफिकेंट रूरल अर्बन इनइक्वलिटी गैप्स, और जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है वो इनइक्वलिटी गैप को भरने के लिए, वेज के लिए वो शिफ्ट होता रहता है। एंड अगेन इनइक्वलिटी इज देन एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज व्हेन ए सर्टेन लेवल ऑफ एवरेज इनकम इज रीच्ड एंड द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन डेमोक्रेटाइजेशन एंड द राइज ऑफ द वेलफेयर स्टेट अलाउ फॉर द बेनिफिट्स फ्रॉम द रैपिड ग्रोथ एंड इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम। कुज़नेट्स बिलीव्स दैट इनइक्वलिटी वुड फॉलो एज एन इन्वर्टेड यू शेप एज इट राइजेज एंड देन फॉल्स अगेन विद द इंक्रीज ऑफ इनकम पर कैपिटा। जैसे हमने पहले ग्राफ बताया था कि जैसे जैसे विकास होगा, औद्योगिकरण होगा, कृषि का आधुनिकीकरण होगा, लोग रूरल से अर्बन की ओर माइग्रेट करेंगे, लोगों के आय में वृद्धि होगी और एक समय के बाद धीरे धीरे विकास के साथ इनइक्वलिटी बढ़ेगी, लेकिन एक समय के बाद वही विकास जो है इनइक्वलिटी को कम भी करती है और इसको उन्होंने कहा था दिस इज इन्वर्टेड यू शेप। तो ये दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ कुज़नेट्स कर्व जिसको कि हम लोग इन्वायरमेंट के संदर्भ में जिसकी बात करनी है। अब इन्वायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व क्या कहता है? हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे औद्योगिकरण होगा वैसे वैसे पर्यावरण में प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। तो द इन्वायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जनरली तुम लोग देखोगे EKC के रूप में हम लोग डिनोट करते हैं, दिस इज ए हाइपोथेसाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंटल क्वालिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसी कुज़नेट्स के हाइपोथेसिस को इन्वायरमेंट में जब तुम लोग बात करोगे तो पाओगे कि इन्वायरमेंटल क्वालिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच रिलेशनशिप को यह कर्व बताता है। वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ट्रेंड टू गेट वर्स एज मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स अंटिल एवरेज इनकम रीचेस ए सर्टन प्वाइंट ओवर द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। द
environmental Kuznets curve suggests in sum that the solution to pollution is economic growth. और फिर वही बात कि ये 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 hypothesis भी यही बता रहा है कि जैसे जैसे विकास होगा पहले तो पर्यावरण प्रदूषित होगा तेजी से प्रदूषित होगा लेकिन एक समय के बाद सेचुरेट होने के बाद उसी विकास के मॉडल के साथ साथ हम धीरे धीरे अपने टेक्नोलॉजी की मदद से पॉल्यूशन को कंट्रोल भी करेंगे. तो ये देखिए इन्वायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व भी उसी मॉडल में इनवर्स यू रिलेशनशिप में है जिसमें कि आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस पर कैपिटा इनकम दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे पर कैपिटा या इनकम या इकोनॉमी बढ़ रही है इन्वायरमेंट वर्सन हो रहा है. और एक पॉइंट के बाद देखो जहां हमने टर्निंग पॉइंट दिखाया है वहां पर सेचुरेशन पॉइंट आता है और वहां के बाद क्या होता है फिर हम लोग इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं. तो द इन्वायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व इज यूज टू ग्राफ द आइडिया दैट एज एन इकोनॉमी डेवलप्स मार्केट फोर्सेज बिगिन टू इंक्रीज एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी डिक्रीजेस. ये तो जस्टिफाइड हो गया है. मोर स्पेसिफिकली दैट एज द इकोनॉमी ग्रोज इनिशियली द इन्वायरमेंट सफर्स बट इवेंचुअली द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड द सोसाइटी इम्प्रूव्स. तो अभी तक तो हम लोग इस इन्वायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व को मान रहे थे लेकिन वक्त के साथ साथ इस पर डिबेट भी हुआ क्योंकि हमने देखा है कि डेवलप्ड कंट्रीज या विकसित देशों में इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है और तमाम तरह के प्रॉब्लम्स वर्सन होते जा रहे हैं जिससे कि ओजोन लेयर की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, स्पेसिस के लुप्त होने की समस्या बरकरार है. तो वेदर द क्वेश्चन अराइज दैट वेदर ईकेसी इज वर्किंग. तो ये हम सबको एक डिसएग्रीगेट लेवल पर अध्ययन करने के बाद ही समझ में आएगा कि इन्वायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व जो कहता है वो क्या कंट्री वाइज इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं. और हम देख सकते हैं कि जनरली इस तरह के कर्व जो थ्योरेटिकल कहा गया है वो परिस्थिति अनुसार कहीं न कहीं से फेलोर भी माना जाता है ना. तो अब देखिए आज के दौर में पूरे रिसेशन का दौर शुरू हो गया है केवल और केवल एक COVID-19 की वजह से. तो कहीं न कहीं से इस तरह के सिद्धांत उस समय के हिसाब से बनाए गए होते हैं लेकिन जैसे जैसे विकास होता है कुछ समस्याएं हमारे सामने आती हैं. तो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ केसी व्हेन एन इकोनॉमी इज प्राइमरली प्री इंडस्ट्रियल एंड एग्रीगेरियन द इन्वायरमेंट इज यूजुअली क्लीन एंड अनटच्ड बाय पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. हम जानते हैं कि जैसे जैसे शुरू में क्या होता है, शुरू में विकास कम होता है, इन्वायरमेंट अनटच्ड होता है, इन्वायरमेंट क्लीन होता है, तो उस समय हम इन्वायरमेंट की समस्या से नहीं जूझते हैं और ऐसे में ही इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था का जो होता है एक पॉइंट बढ़ जाता है और वो कहीं ना कहीं से इन्वायरमेंट को डिग्रेड किए बिना सोचता है कि विकास हम करते चले जाएंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो ये दिस शोज दैट एज द इकोनॉमी शिफ्ट्स towards development and industrialization, the environment is at the higher risk of being harmed by pollution and depletion of the natural resources. और ये दिखाई देता है कि विकास के साथ साथ environmental एक high risk पर पहुंच जाता है. The curve then returns to a cleaner environment when economic growth continues and people choose to spend their incomes on improving the environment by cleaning water and improving air quality. पीपल बिकम मोर अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स टू द इन्वायरमेंट. तो ये जो कर्व कहता है कि शुरू में तो विकास के साथ साथ इन्वायरमेंट को डिग्रेड होना है, पॉल्यूट होना है लेकिन वही विकास एक समय ऐसा आएगा जब टर्निंग प्वाइंट होगा और लोग अवेयर होंगे और इन्वायरमेंटल को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, क्लीनर एयर करने के लिए किट्स का प्रयोग करेंगे, वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए तकनीक के सहारे वो कोशिश करेंगे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके और उसके बाद से वही कर्व डाउनवर्ड्स होने लगता है. तो दिस इज होल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एनवायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व यूज टू से. लेकिन डिबेट क्या है, डिबेट है कि देर इज ए कंसिडरेबल एविडेंस टू सपोर्ट द एप्लीकेशन ऑफ एनवायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व फॉर वेरियस एनवायरमेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स. लेकिन कहीं ना कहीं से डिबेटेबल हो जा रहा है बिकॉज वाटर, एयर पॉल्यूशन एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स विच शोज द इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व एज पर कैपिटा इनकम एंड जीडीपी राइजेस. तो ये हमको दुनिया में अब दिखाई दे रहा है. इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट दिस ट्रेंड ऑकर्स इन द लेवल ऑफ मेनी ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स सच एज सल्फर डाइऑक्साइड,
nitrogen oxide, lead, DDT, chlorofluorocarbons, sewage and other chemicals previously released directly into the air or water. तो हम ये debate भी कर रहे हैं कि Kuznets curve कहीं न कहीं से turning point की ओर न जाके अभी भी rising point पर भी जा रहा है, क्योंकि हमारा water और हमारा air कहीं न कहीं से pollute होता जा रहा है, चाहे वो विकसित देश है चाहे वो विकासशील देश है. इसलिए criticism किस बात का किया जाता है? That is energy, land and resources use may not fall with rising income. यानी जो ecological footprint है वो कहीं न कहीं से ये दिखाई दे रहा है कि विकास के साथ साथ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं, और विकसित देशों में भी इन्वायरमेंटल का डिग्रेडेशन दिखाई दे रहा है, एयर पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, वाटर पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, ओजोन के लेयर में छिद्र दिखाई दे रहा है, ग्लोबल वार्मिंग दिखाई दे रहा है, जिसका असर हेल्थ पर और इकोनॉमी पर दिखाई पड़ रहा है. सो वी हैव टू रीथिंक अबाउट द इन्वायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व. एडिशनली द स्टेटस ऑफ मेनी की इकोसिस्टम प्रोवाइड्स by ecosystem such as fresh water provisions, soil fertility and fisheries have continued to decline in developed countries. और ये भी दिखाई दे रहा है कि Kuznets curve कहता है कि down curve होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि विकसित देशों में soil fertility कम हो रही है, fisheries कम हो रहे हैं, और कहीं न कहीं से developed countries के में pollution बढ़ता जा रहा है, environment degrade होता जा रहा है. So proponents of the EKC argued that this varied relationship does not necessarily invalidate the hypothesis, but instead that the applicability of the Kuznets curves to various environmental indicators may differ when considering different ecosystem, economics, regulatory systems and the technology. और अभी भी economic जो environmental Kuznets environmental curve कहता है कि ये country to country डिफर करता है, यानी जो देश इको सिस्टम के प्रति सतर्क होते जा रहे हैं वहां विकास के माध्यम से हम एनवायरमेंट को बचाने में सक्षम भी हो रहे हैं. लेकिन हार्स रियलिटी क्या है? हार्स रियलिटी ये है कि एवरी ईयर वी एक्सट्रैक्ट एंड एस्टिमेट 55 बिलियन टन्स ऑफ फॉसाइल एनर्जी, मिनरल्स, मेटल्स एंड बायोमास फ्रॉम द अर्थ. ये फैक्ट है कि विकास के साथ साथ ये सारी चीजें हो रही हैं. एट द करंट रेट ऑफ deforestation, 5-10% of tropical forest species will become extinct every decade. यानी अगर हम विकास का रेट यही बनाए रखेंगे Kuznets curve के हिसाब से, तो कहीं न कहीं से 5-10% जो forest species खत्म होते जाएंगे. Every hour, हर घंटे 1692 acres of productive dry land become desert. हर साल विकास की इस गति ने एक फर्टाइल लैंड को डेजर्ट के रूप में तब्दील करना शुरू किया है. वी हैव ए गार्बेज आईलैंड फ्लोटिंग इन आवर ओशंस, मोस्टली कंप्राइज ऑफ प्लास्टिक्स. अब प्लास्टिक के पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा फैक्ट हमारे सामने है, और हमारे सामने प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से एक फ्लोटिंग पॉल्यूशन के रूप में ओशन में दिखाई पड़ा है इस डेवलपमेंट के इस मॉडल से. वी आर यूजिंग अप टू 50% मोर नेचुरल रिसोर्सेज देन दी अर्थ कैन प्रोवाइड. और जितना अर्थ प्रोवाइड कर रहा है उससे 50% ज्यादा हम लोग रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं. इसका मतलब सस्टेनेबिलिटी नहीं है. आने वाले समय में हमारे इकोनॉमिक्स के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा. तो दिस आर द थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग Kuznets एनवायरमेंट कर्व्स. व्हाट इज कॉजिंग डिग्रेडेशन? द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली सिंस वी डिस्कवर्ड ए वे टू कर्व सम ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज. देखिए, जनसंख्या एक समस्या है. पूरी दुनिया में पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रहा है. ये अलग बात है कि विकसित देश में कम हो रहा है, लेकिन पूरे ग्लोब में देखा जाए तो हम 9 बिलियन की ओर बढ़ रहे हैं 2040-50 की ओर. तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है. इससे जो है हमारे कंजम्पशन बढ़ेंगे और हमारे प्रोडक्शन का प्रोसेस बढ़ेगा और इन्वायरमेंटल डिग्रेड होगा और डिजीज बढ़ेगी. जो COVID-19 का जो स्कोप इस समय पैनाडेमिक मेजर से, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि हम लोगों ने डेवलपमेंट को ही मॉडल बनाया हुआ था. विथ आवर पॉपुलेशन बूम वी रिक्वायर्ड मोर लैंड, मोर वाटर, मोर और एवरीथिंग. अगर जनसंख्या बढ़ता जाएगा तो हमको सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी और कहीं ना कहीं से एनवायरमेंट पर एक बर्डन होगा. फॉरेस्ट हैव ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड बिकॉज वी नीडेड टू क्लियर देम टू प्लांट मोर क्रॉप्स टू गिव एनिमल्स ए प्लेस
technology and industry can be blamed too. Vehicles emissions, toxic waste are becoming rising. These are all byproducts of our inventions and ingenuity. This is what's causing the global warming. इसलिए global warming की समस्या हमारी बनी हुई है. इसलिए जो Kuznets और environment की जो hypothesis है वो environment के मामले में सही है या गलत है ये research का विषय है. And we should search the facts that whether this KEC curve is practicable or not. So dear students, this was the topic which I wish to explain you today. You go through that और ये कोशिश करना कि जो environment Kuznets का उसको explain करते हुए दुनिया के facts के साथ इसको जोड़ना और ये कोशिश करना कि ये बताने की कि विकास there is a limit to growth and we are moving beyond the limit to growth and hence we need sustainable development. Thank you and be healthy, stay at home, safe at home and my all the good wishes to you.